Hey guys, hello everyone, welcome back to the channel. So guys, आज हम लोग प्रभास सर का एक जो मूवी है, मतलब ब्लॉकबस्टर मूवी है छत्रपति, उसका क्लाइमेक्स सीन पे रिएक्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसका इंटरनल फाइट सीन पे रिएक्ट किया था, तो बहुत ज्यादा डिमांड था कि क्लाइमेक्स सीन पे भी रिएक्ट करें। तो अजीत, तुम्हारा क्या कहना है इस पे? सो इंटरवल फाइट सीन जब हमने देखा था, उसमें बहुत कुछ था, इमोशन था, एक स्ट्रॉन्गनेस था, एक लीडर क्वालिटी था, मतलब बहुत कुछ था उस सीन में। एंड क्लाइमेक्स सीन सबको पता है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन ऑफ द फिल्म होता है। सो पता नहीं ये वाला कितना कुछ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि इंटरवल फाइट सीन बहुत ही अमेजिंग था। सो इस फिल्म को मतलब कितने साल हुए हैं? तो ये मूवी आया था 2005 में, और इसको IMDb ने रेटिंग दिया 7.6। और इसका डायरेक्टर का नाम बोलने का जरूरत नहीं है, मिस्टर SS राजामौली। तो मतलब मूवी अच्छा होना ही, इतना साल पुराना मूवी है, तब का ब्लॉकबस्टर अभी भी चल रहा है, मतलब कितना माइंड ब्लोइंग मूवी है। 7.6 मेरे हिसाब से जितना भी मैंने देखा है, 7.6 7.4 मूवीज बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जो इसमें 9.5 मिलता है या 9 सब, तब तो वो तो एकदम, और मतलब क्या बोलो, जेन्युइन रेटिंग है। लेकिन मैं इतना बोलूंगी मतलब बहुत जेन्युइन, मतलब एकदम लेवल का रेटिंग है। और गाइस, म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो है MM केरवानी, और MM केरवानी का जो म्यूजिक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, हम लोग ने देखा ही है। और इस मूवी का भी जो BGM है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, राइट? हाँ, उससे पहले मैं इस मूवी के लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस को बोल देती हूँ, एंड बहुत सारे को एक्टर को भी बोल देती हूँ। सो लीड एक्टर आप सब जानते हैं, हमारे डार्लिंग प्रभास सर। एंड जो फीमेल लीड है वो शायद है श्रिया सरन, श्रिया सरन, फिर है भानुप्रिया, फिर है प्रदीप रावत जो कि शायद मतलब विलेन है, और नरेंद्र झा जो कि बाजीराव का रोल कर रहे हैं, और भी 15 मोर्स बहुत सारे को एक्टर्स हैं। जो लीड है वो है प्रभास सर और श्रिया सरन। सो गाइस, ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो इसमें क्या सबटाइटल है? नो, सब्सक्राइबल इज नॉट अवेलेबल। सो మీ ప్రాణాలు అడ్డేసైనా సరే ఛత్రపతి నుంచి అమ్మని కాపాడాలి, అలాగే అన్న, వెళ్ళండి బాజీ। గైస్, సబ్ సెటిల్ నీ హై తో సమజ్ మే థోడా ముష్కిల్ హోగా। అలాగే, యే ముజే జైసా లగ్ రహా హై యే ఛత్రపతి కే మమ్మీ హై, ముజే జైసా లగ్ రహా హై। छत्रपति आएगा शायद, बोल के इसको बुलाया है। मैंने टिश्यू पेपर सामने रखा है क्योंकि क्लाइमैक्स है। अन्य मूलला कवर चेंडरा वाड एट वच्चिना ये चेयंडि वेलंडि, मतलब फैल जाओ पूरा फैक्ट्री में। उसका मम्मी को किडनैप करके लाया, मैं 100% श्योर, बोल के लाया कि आओ यहाँ पे। सीन देख के लगा फर्स्ट में, ओ लग लग के गिर रहे नीचे। గుంట నక్కలా దెబ్బ తీస్తున్నాడు, గుంట నక్కలా కాదు పులి, వేటాడై పులిలా మాటేసి కొడుతున్నాడు। అడవిలో పులిని పట్టుకోవాలంటే మేక గొంతు కోసి ఎరేయాలి, ఆ నెత్తురు వాసనకి పులి మాటోతిరి బయటకు వస్తుంది, అప్పుడు గుంటేసి కొడితే గుంటికాయ పగిలిపోవాలి, అది అలా అలా చంపాలి। కానీ మేబీ బోల్ రహే ఆనే దో, అదే మ్యాక్ ఏది నువ్వేరా ఆ మేకవి రాజ్బిహారీ, ఏంటిది మనం బ్రదర్స్ కదా, నా అమ్మకు పుట్టావు మరి బోడిగాడివి, నువ్వెంతరా అర్ధనా గాడివి, ఆ ఛత్రపతి గాడు నీకు కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించి కోటీశ్వరుణ్ణి చేశాడు, వాడి వీక్నెస్ ఏంటా అని ఎంక్వైరీ చేస్తే అప్పుడు బయటపడింది మీ అన్నతమ్ముల బంధం। కుచ్ ఐసా కుచ్ ఉస్కో బోలా జిస్కో చూసే అభీ పదా చలా హై, నువ్వు అవతార పురుషుడువా, సున్కే ఏ లగ్ రహా హై, మీ అమ్మ ఓ కంచి కామాక్ష సాలా। ये उसके साथ मिला हुआ था, मे भी उसको पकड़ लिया, उसको कुछ सारी बात पता नहीं था जो उसने बोल दिया, फिर उसको गुस्सा आने लगा, उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था जब वो बोल रहा था उसके बाद।
में भी हो सकता है ये छत्रपति के साथ मिला हुआ है, उसको पता चल गया उसके बाद ये भी हो सकता है। बोले जाने दो कुछ हो रहा है देख के आते हैं, तो वो लोग बोला हम लोग देख के आते शायद शायद नॉट श्योर। सोचा है कि शायद मम्मी या जो भी है मम्मी होगा शायद उसको, वो सोचा है वो उसको मारने जा रहा है शायद। उसको लग रहा है प्रभास उसको प्रभास है उस आदमी को मारने जा रहा है, उसको ऐसे ही लग रहा है। तो प्रभास का मम्मी कि उस आदमी का मम्मी है समझ में नहीं आ रहा है ना। हाँ तो फिर अगर प्रभास का मम्मी होता तो उनको नहीं मारते। हाँ ये इसका मम्मी है। अशोक देखे काले कदम देखे वजह जैसा भैया బిడ్డను ఎందుకిలా వెంటాడి మరీ చంపాలనుకుంటున్నా చేతలు
విలన్ తవిత మరా నీ నడుకుము ఎమరి అయిదా నువ్వు ప్రతికొండగానే నీకు పెళ్ళం పెట్టాను నీ చావు కొరతు శాపం పెట్టానరా పాపిష్టి దాన్ని లేనన్న లే నువ్వు బ్రతకాలి లేకపోతే అమ్మ అన్న పిలిపి చచ్చిపోతుందిరా లేనన్న నిద్ర వస్తుందమ్మా ఒక్కసారి నీ ఒళ్ళో పడుకుంటాను छत्रपति नुवे छत्रपति विरा लीडर अंटे इला इला उंडाले रास बिहारी बिहार काश इपड़े वदले ओक्क दब्ब तो चंपेस्ता इंका लेट अयिते कोरिवि पेट्टडानिकि नी बॉडीलो ओक्क मुक्क कूडा मिगलदु అప్పుడే అయిపోయిందా లేచే ఓపికే లేదా పోనీ మీ అమ్మని కొడితే లేస్తావా హాలత్ కూడా ఖరాబ్ ला 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 गला कैसा घुमाना मतलब उसने थप ले वो तो भाग गया ला अरे सोचो तू उसके बीच में क्या है हाथी तोड़ देगा इसका चाबू कैसा मार रहा है अरे अरे भगवान। So guys, हम लोगों ने पूरा सीन देख लिया है और सीन का जो मतलब सब सीन अच्छा था लेकिन आखिर का जो सीन था वो एक्सपेक्टेड नहीं था हाँ। वो जो मतलब आग जल रहा था अंदर तो मतलब पूरा चल रहा था चलते चलते डायरेक्ट उसके अंदर फेंक दिया हाँ। वही वाला मतलब सीन डेंजरस था और मुझे इस सीन इस मूवी का जो मतलब ये जो फाइट सीन था इस फाइट सीन में जो पहला जब फाइट सीन हो रहा था विलन को तब पता नहीं चला जब वो आया लेकिन उतना मतलब उसका जो आदमी था वो पहले गोली भी चलाया तो उसको पहले से पता चलना चाहिए था लेकिन उसको पता चला थोड़ा देर बाद में तो इस फाइट सीन का ये छोटा सा फ्लॉ है क्योंकि ये अगर वैसा नहीं बनाता ना तो थोड़ा रियलिस्टिक भी लगता लेकिन ये थोड़ा उन लोगों को पता ही नहीं जो बाद में पता चला जो एंट्री था राइट सो गाइस ये सीन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था जैसे कि एक एक फाइट सीन एक एक इसमें सीएसी एक फाइट सीन नहीं था इसमें एक इमोशंस भी था तो तुमको कैसा लगा सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलूंगी कि पता ये हम लोग का भी गलती नहीं है ये यूट्यूब का भी गलती नहीं है कि इस को सबटाइटल नहीं दिया गया है अगर सबटाइटल होता ना तो शायद वो जो सीन था इतना अच्छा था क्योंकि वो जो मतलब जो सीन से ही हम इतना रिलेट कर पा रहे थे अगर उसमें सबटाइटल होता कि वो लोग क्या बात कर रहे तो हम लोग शायद और भी ज्यादा रिलेट कर पाते हाँ। तो शायद उतना ही मैं बोलूंगी अगर वो होता तो और बाकी फाइट वाइट सीन तो फिर भी हम लोग कर लेते लेकिन जो इमोशनल सीन होता है ना उसके लिए जो डायलॉग्स है जो वर्ड्स है वो बहुत मायने रखते हैं कनेक्ट करने के लिए तो फिर भी जो एक्सप्रेशन था वो सुपर्ब था दोनों मतलब मां जो बेटा का जो एक केमिस्ट्री दिखाया गया था एक इमोशन जो टच जो वो नहीं पहचानती थी उसको पता चला तो
वो तो बहुत अच्छा था, अगर होता सबटाइटल तो ज्यादा कनेक्ट कर पाते। तो गाइस हम लोग प्रभास सर के छत्रपति मूवी का ये हम लोग सेकंड सीन पर रिएक्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग इंटरवल सीन किया था जो कि हम लोग पहले बोल दिया, तो अगर आपने नहीं देखा है वो भी सीन जाके देखिए, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन मुझे जो लगता है कि क्लाइमेक्स सीन से ज्यादा इंटरवल फाइट सीन ज्यादा अच्छा लगा था हम लोग। हाँ, हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाए, इसमें थोड़ा कम कनेक्ट करे क्योंकि इसमें तो सब्सटेंस भी नहीं था और बहुत सारे रीजंस है और फाइट बहुत ज्यादा था ना, मतलब उसमें जैसे इमोशन सीन का एक मतलब एक स्टोरी मोड को समझे, लेकिन यहाँ पर बहुत के थ्रू हमें समझना था। वहाँ पर तो पता चल रहा था कि वो उनके दोस्त थे फिर उनको मारा, इसलिए हम लोग ज्यादा रिलेट कर पाए इसमें थोड़ा कम रिलेट कर। लेकिन सीन्स ऐसा नहीं है, सीन्स बहुत ही अच्छा था। क्लाइमेक्स सीन्स में जो फाइट हो रहा था ना, वो फाइट जो लास्ट का सीन था वो सबसे अच्छा था। कैसे वो डाल दिया, वो तो बॉयल शायद वो बॉयल ही हो गया, पूरा जल के दाग हो गया। और गाइस मतलब बहुत सारा सीन समझ भी नहीं आया, जैसे उसको मम्मी को लेकर हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि वो प्रभास सर का मम्मी है कि वो आदमी का मम्मी है। हाँ। तो बाद में हम लोग को पता चला कि शायद वो उस आदमी का भी मम्मी है और प्रभास सर का भी मम्मी है। प्रभास सर खो गए थे मे बी, हाँ बचपन में खो गए थे, शंख था उसके थ्रू से उसने पता चला कि वो उनका बेटा है। तो गाइस आप लोगों ने कहा था कि ये प्रभास सर के करियर का वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवी है, तो मतलब वन ऑफ द मेन है। और हम लोगों को भी सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, जो इंटरवल फाइट सीन और क्लाइमेक्स सीन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे जो लगता है इंटरवल फाइट सीन में दम थोड़ा ज्यादा था। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाए। हाँ गाइस ढेर सारे कमेंट कीजिए, ढेर सारे शेयर कीजिए, जरूर हमें बताइए आपको क्या राय है आपका इस फिल्म के बारे में। इंटरवल सीन आपको इंटरवल सीन वर्सेस क्लाइमेक्स सीन कौन सा बेटर है आप हम लोग कमेंट्स में बताइए। और हाँ अभी तक अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए वहाँ पर फॉलो कीजिए, क्योंकि आर्या का क्लाइमेक्स सीन हम लोग ने वहाँ पर अपलोड किया है। पुराने चैनल के जितने भी वीडियोस हैं हम वहाँ पर डालते हैं ना, हम क्या और भी क्या डालते हैं, और भी हम लोग के जो ब्लॉग वीडियोस है जो कि ब्लॉक हो जाते हैं यूट्यूब से वो भी हम लोग वहीं पर डालते हैं। और हम लोग के लाइव से बहुत सारे मतलब लाइव का पार्ट भी कुछ डालेंगे, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे जरूर। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो।